वंदे ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन के दृष्टि से जो अभियान चलने वाले हैं उसकी एक कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में सभी कमिश्नरी सा बैठकें संपन्न हो रही है, उसी के निमित्त आ जाना हुआ। एक एक विभाग के क्या कार्य योजना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कोई वंशवाद परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया परमानेंट चलता रहता है कि हमारा एक संगठन की कार्यपद्धति है, उस संगठन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए आज उसकी बैठक थी, सदस्यता हो रहा है, मतदाता बढ़ाने का काम है, लाभार्थी से संपर्क है, सामाजिक टोली का संपर्क है और बूथ पर बैठकें, मन की बात 28 तारीख को है, उसकी कार्य योजना, ये सभी कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई है और आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। आने वाला चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हम राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर लड़ेंगे, इसी योजना के साथ आएंगे। देखिए ओबीसी थोड़ा यहाँ पर आकर माहौल न खराब करें, अपना काम करें, अच्छी बात है, लेकिन माहौल खराब न करें, यहाँ हैदराबाद में न बनावें, क्योंकि इस समय 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओबीसी जी को दंगा याद आने लगा है, लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। वैसे ही कहा ना, ये वापस नहीं होगा तो शाहीन बाग बना देंगे यूपी को, क्या कहेंगे? इस राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कैसे कोई बनाएगा? गुंडे भ्रष्टाचार आजकल जेल में हैं, बिल नहीं ले रहे हैं, इसलिए सभी माफिया आजकल बिल नहीं रहे, जेल के अंदर बंद है, क्योंकि योगी साधन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।